धूम 4 के फैंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। टाइगर श्रॉफ की बागी 3 को लेकर बड़ा अनाउंस, फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। यशराज फिल्म के प्रोडक्शन की पिछली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। और बता दूं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को डायरेक्शन दिया था विजय कृष्ण आचार्य ने, और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में दर्शक ने उनके डायरेक्शन को नकार दिया था, जब उनके डायरेक्शन को लोगों ने घटिया कहा था। और उतने में मीडिया में खबरें आई थी कि अब धूम 4 नहीं बनने वाली, क्योंकि धूम 4 फिल्म के भी डायरेक्टर विजय कृष्ण ही थे, जो पहले भी धूम 3 बना चुके हैं। लेकिन धूम 4 को लेकर अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, यह धूम 4 फिल्म जरूर बनेगी, और वो भी एक खतरनाक विलन के साथ। लेकिन बता दूं कि अब धूम 4 को डायरेक्ट करने वाले हैं संजय गढ़वी, जो पहले भी धूम सीरीज में धूम और धूम 2 को डायरेक्शन दिया था, जबकि धूम 3 का डायरेक्शन दिया था विजय कृष्ण आचार्य ने। अगर हम धूम 3 की कंपेयर धूम और धूम 2 से करें तो आगे के दो पार्ट काफी बेहतरीन थे, तो वही बेहतरीन फिल्म बनाने वाले संजय गढ़वी हम धूम 4 का डायरेक्शन देते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या धूम 4 बननी चाहिए कि नहीं, और कौन सा हीरो इसमें बेस्ट विलन का किरदार निभा सकता है वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफ स्टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। टाइगर श्रॉफ की बागी 3 को लेकर बड़ा अनाउंस, फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। टाइगर ने इस साल बागी 2 फिल्मों में बहुत बड़ा धमाका किया था, और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और बागी 2 के फिल्म प्रमोशन के दरमियान ही फिल्म मेकर्स ने कह दिया था कि हम लोग बागी 3 को लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तो बता दूं कि बागी 3 को लेकर ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है। बागी 3 फिल्म रिलीज होने वाली है 6 मार्च 2020 को, और ये फिल्म को डायरेक्शन देने वाले है अहमद खान, जो कि बागी और बागी 2 को भी उन्होंने ही डायरेक्शन दिया था। बागी 3 के अनाउंस पर एक जबरदस्त फर्स्ट लुक भी शेयर किया है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिस पर फिल्म की रिलीज डेट के साथ साथ लिखा हुआ है कि ही विल रिटर्न। और बागी 3 में टाइगर श्रॉफ की एक छोटी सी झलक भी देखने को मिल रही है, यानी कि 2020 में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से तहलका मचाने आएंगे, क्योंकि 2016 में आई थी बागी फिल्म, और बागी फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने दमदार एक्शन करके हर किसी का दिल जीत लिया था। और फिर जब बागी 2 फिल्म रिलीज हुई, तब बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ के फैन हो गए थे, क्योंकि बागी 2 में टाइगर श्रॉफ ने इतना दमदार एक्शन किया था। और अब बारी है बागी 3 की। तो फ्रेंड्स, आप कितने एक्साइटेड है बागी 3 फिल्मों को लेकर, और आपको कैसा लगा ये पोस्टर वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफ स्टार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।